तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के मैच के बारे में, जो कि वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होने वाला है। एक दिन पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर टुमारो लिखा हुआ आ रहा है, तो इस बात से आप कन्फ्यूजन मत होना। बट इस मैच में हम हारेंगे अल्ट्रा क्लीनशिप। फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम पर जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जुड़ जाओ। और लास्ट बैक टू बैक वर्ल्ड कप के 5 मैच में हमने बैक टू बैक मिनी जीएल तक आराम से विन किया। अल्ट्रा क्लीन स्वीप रही हमारी टीम। तो अगर आज भी इस मैच में अगर आपको क्लीन स्वीप करना है, तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जल्दी से 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, तो आपको हर मैच में आपको अल्ट्रा क्लीन स्वीप मिलेगा। अब लंका प्रीमियर लीग भी आ रहा है, उसमें हर मैच में मैं अल्ट्रा क्लीन स्वीप कराऊँगा। आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं टीम एंड कॉम्बिनेशन बनाना। तो सबसे पहले भाई विकेट कीपिंग सेक्शन से हेनरिक कैलासेन 39% सिलेक्शन। बट याद रखना, आज के मैच में मस्ट बी का लेकर चलो, क्विंटन डिकॉक फ्लॉप रहने वाला है। याद रखना 73% सिलेक्शन है, और जितना हो सके उतना आप इंडिया की टीम को फेवर करते हुए लेकर चलो, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है इंडिया के सामने। क्योंकि देखो, बॉलिंग सेक्शन से बुमराह, कुलदीप और अर्शदीप तीन तीन विकेट ले जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो तीनों में से आप किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन करो। लेकिन याद रखना, अर्शदीप आपके मैच आज के मैच में बहुत बड़ा रोल होने वाला है। हो सकता है ये आज के मैच में 4 विकेट भी लेकर जाए, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करना। हो सके तो कैप्टन वाइस कैप्टन करना। 46% सिलेक्शन है, कोई ट्राई वैसे करेगा नहीं। बाकी देखो, केशव महाराज 13% सिलेक्शन, लोग अवॉइड कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर ताबरेज शामसी, मस्ट बी के अवॉइड करने का रिस्क बिल्कुल भी मत लेना, लेकर चलना। बाकी नौरखिया और रबाड़ा दोनों को अवॉइड कर सकते हैं। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन से। देखो, रोहित शर्मा के आज के मैच में फ्लॉप रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। बट जो प्लेयर सूर्य कुमार और विराट कोहली, इनको आप टीम में ज़रूर रखना, क्योंकि बड़े मैच में परफॉर्मेंस देंगे विराट कोहली। तो हो सके तो टीम में रखना, वाइस कैप्टन बनाना, बट कैप्टन मत बनाना, याद रखना, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। बट बड़ा प्लेयर है, कभी भी रन बना सकता है। हो सकता है इस मैच में इसकी सेंचुरी भी आए, तो भाई वाइस कैप्टन के लिए जिम्मेदारी है, और सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर रहने वाला है, तो लेकर चलो। रोहित शर्मा फॉर्म को देखते हुए तो लेना चाहिए, बट सामने रबाडा, अर्निंग नोकिया होंगे जो इसको आउट करने के ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी बात करते हैं ऑलराउंडर अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या मस्ट पी के लेकर चलो। और यहाँ से अभी के लिए मैं रोहित शर्मा भाई गजब की परफॉर्मेंस दे रहा है, लोग इसको कैप्टन बना कर आएंगे। बट याद रखना, आज के मैच में आप इसको कैप्टन मत बनाना, वाइस कैप्टन भी मत बनाना, क्योंकि बॉलिंग फ्रेंडली पीछे अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करती है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका की टीम 100+ स्कोर बना पाएंगी, ऑल आउट हो जाएंगी। और उसमें से सबसे बड़ा रोल होगा अर्शदीप सिंह का, और कुलदीप यादव, ताबरेज शामसी और जसप्रीत बुमराह, इनको आप वाइस कैप्टन बना सकते हो। और सूर्य कुमार यादव, इसको भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हो। हार्दिक पांडे को भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हो। बट अर्शदीप सिंह हमारे लिए कैप्टन से के लिए सबसे अलग और डिफ़ॉल्ट पिक रहेंगे, तो आप कैप्टन के लिए एक बार रिस्क लेना, क्योंकि बैक टू बैक हमने कैप्टन पर ही रिस्क लिया और कैप्टन ने हमें अच्छे खासी विनिंग करा कर दी है। कल के मैच में भी कुलदीप यादव ने 3 विकेट निकाले, उससे पहले वाले मैच में भी क्रिस जॉर्डन ने 4 विकेट निकाले, अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट निकाले थे उससे पहले मैच में, तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट से विन हो सकते हैं। तो टीम सेव कर लो, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, जो कि टॉस होने के बाद फाइनल टीम डिसाइड होगा। तो अभी जल्दी से जुड़ जाओ। अक्षर पटेल भी आज के मैच में मस्ट पिक है, ट्राई ज़रूर करना। स्पिनर और बॉलर फ्रेंडली विकेट रहने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर और बैट्समैन को ट्राई करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।